हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हाय। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो लास्ट टाइम का जो वीडियो हम लोग ने शूट किया था स्टोरी वाला यूरोप का, तो आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। हाँ, तो द रीज़न इज़ मतलब जब ट्रेड शुरू किया दोनों कंट्रीज़ के साथ, तो अरब कंट्री भी इन्वॉल्व हो गया था। उसके बाद फाइनली 15 सेंचुरी में वेस्टर्न रोमन यूरोप जो है वो ख़त्म हो गया था। हाँ, बट एक रीज़न ये भी था जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर क्यों ख़त्म हो गया, बिकॉज वो लोग ने जो गोल्ड अफ्रीका से कलेक्ट किया था वो गोल्ड वेस्टर्न रोमन जो एम्पायर है उनके आदमी लोग सब ढूंढ नहीं पाए थे। अच्छा, तो मतलब वो जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है उनकी वजह से बहुत लॉस हो गया था। एक्चुअली पहले से एक तो देखो रीज़न ये भी था कि वेस्टर्न यूरोप जो है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो इतना स्ट्रांग था ही नहीं जितना ईस्टर्न है, क्योंकि ईस्टर्न में बाइजेंटाइन रूलर्स थे और इनमें कोई इतने खास रूलर्स थे नहीं, और ऊपर से उन लोगों ने गोल्ड भी गंवा दिया तो लॉस हो गया था। एंड देन एक फिर से एक पीरियड आया जो द पीरियड वॉज बिटवीन 6th and 10th century वाला जो पीरियड था। वो उनको डार्क एज कहा जाता था। डार्क एज क्यों, वाई? क्योंकि डार्क एज इसलिए क्यों, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, फिर एग्रीकल्चरली, फिर कल्चरली सब में कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था। उन लोगों ने इन पॉइंट्स पे कुछ वर्कआउट ही नहीं किया था। okay. इसकी वजह से उनको डार्क एज कहा जाता है। ओके, देन अगेन बिटवीन 12th and 14th century फिर से यूरोप ने अपने बिजनेस में हाई लेवल प्रॉफिट कमाया था। क्योंकि प्रॉफिट क्यों कमाया आप मुझे बता सकते हैं? आपको भी बताएंगे, बाकी व्यूवर्स को भी बताएंगे हम। तो रीजन वॉज कि बहुत मैं आपको एक बता सकता हूँ कि हम लोग ये स्टोरी आपको क्यों बोल रहे हैं। बिकॉज ये क्या एक रीजन है कि हम लोग को पूरा यूरोप का हिस्ट्री नहीं पता है कि यूरोप कैसे डेवलप किया, कैसे यूरोप कंट्री कैसे बना, कैसे फॉर्म हुआ वो सब चीज। तो ये स्टोरी सब सब है ना एक नॉलेज के लिए कि यूरोप कैसे बना था। सो हाँ, यूरोप एक्चुअली दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट यूरोप। हमको ये एक्चुअली हम लोग ने व्हेन वी डिसाइडेड फॉर द शेयरिंग ऑफ द एंशिएंट टॉक्स, तो उनके पीछे एक रीज़न भी ये है कि हम अगर कोई क्वीज खेलने जाते हैं या फिर हम लोग कई जैसे कौन बनेगा करोड़पति, इफ़ यू वांट टू गो इन दैट, वी वांट टू प्ले द क्वीजेस, तो शायद से उनमें एंशिएंट जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चनरीज होते हैं, तो कुछ भी आ सकता है। तो यू कैन आंसर, और हम लोगों के हम नॉलेज मिलता है कि यार ये सारी चीज़ें हुई थी पहले, वी शुड नो अबाउट दिस थिंग्स। इसीलिए तो जैसे कंटिन्यू टू द जो हम लोग बोल रहे थे, तो प्रॉफिट क्यों कमाया था बिटवीन 12th and 14th century, द रीज़न इज कि ग्रोथ हुआ था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हुआ था, फिर बहुत सारे टाउन्स में ग्रोथ हुआ था। बट जो टाउन्स आप बता रहे हैं, हाँ, उस टाउन्स के नाम क्या था मुझे बताओ ना। नहीं, नाम तो इन लोगों ने कुछ किया नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटीज जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था उनका है। तो दैट वाज पैडुआ एंड मिलान यूनिवर्सिटी इन इटली। तो मिलान यूनिवर्सिटी जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन इटली और बहुत फेमस है। और मिलान यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश इन 1924 और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं। और ये जो सारे डेवलपमेंट्स हुए थे इनकी वजह से एजुकेशन में डेवलपमेंट हुआ, न्यू आइडियाज मिले लोगों में, एजुकेशन्स भी मतलब ग्रोथ हुआ, एजुकेशन में ग्रोथ हुआ, और इनकी वजह से यूरोप जो है, अभी का जो यूरोप है, नया यूरोप का फॉर्मेशन हुआ, नया यूरोप फॉर्म हुआ आप जो देख रहे हो। तो ये जो सारी चीज़ें होती है, मतलब पहले देखो वॉर वगैरह इन सब चीज़ों से इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी आया, जब नया यूरोप का फॉर्मेशन सॉरी जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी आया, जब टाउन्स फॉर्म हुए नए, तो इन सब से नया यूरोप का फॉर्मेशन हुआ। तो कभी हम लोग सोचते हैं कि ये सब जान के हम लोग क्या करेंगे। यस, यू आर राइट। लेकिन एजुकेशन देखो
कहीं ना कहीं ये सब काम आने ही वाला है. एंड द एजुकेशन, द शेयरिंग ऑफ द एजुकेशन, द शेयरिंग ऑफ द नॉलेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. एंड इट गिव्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आइडियाज एंड इम्पैक्ट. ये बहुत इम्पैक्ट लोगों पे भी पड़ता है. राइट. हाँ, अभी ये मैंने जैसे कि पहले आपको तीन कंट्री कहाँ था, अरब कंट्री था, इजिप्ट था एंड साउथ अफ्रीका था. तो अभी यूरोप जो है वो फाइनली हो गया है. नाउ वी आर कमिंग टू द अरब कंट्री. तो हम लोग वो नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे. सो टिल नाउ, बाय एंड डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब. कमेंट कीजिए कि यूरोप में और अरब में और क्या हो सकता था. आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए और हमें बताइए. सो लेट्स गो. बाय बाय.